वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं इंजीनियर पंकज पांडे, विप्रो टेक्नोलॉजी का एक्स प्रोजेक्ट इंजीनियर और मेनकैट पीसी का सीईओ एंड फाउंडर, आज सभी बीसीए स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो आज आपको ये बताने वाला है कि यदि आप बीसीए कर रहे हैं या आप बीसीए में एडमिशन लिए हैं या आप बीसीए में एडमिशन लेने वाले हैं, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलो देखते हैं, जिन बच्चों ने बीसीए में एडमिशन ले लिया है या जो बीसीए कर रहे हैं वो इस वीडियो को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि बीसीए में एडमिशन के बाद अपनी पढ़ाई कैसे करें, यानी अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं कि एक बीसीए के स्टूडेंट्स को बीसीए से क्या क्या सब्जेक्ट किस किस सेमेस्टर में क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए कि उस स्टूडेंट्स को इंजीनियर बनने की अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बन सके। चलो देखते हैं, जैसे सभी बीसीए करने वाले स्टूडेंट को ये चीज़ तो ज़रूर पता होगा कि बीसीए 3 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। ये एक डिग्री प्रोग्राम है, डिग्री 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और इसमें 3 ईयर में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। आज हम आगे बहुत फोकस करके देखने वाले हैं, हमने अपने 6 सेमेस्टर को देखो ध्यान से, कैसे अपने 6 सेमेस्टर को हमने किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, देखो ध्यान से, ठीक है। यह है हमारा 3rd, 4th, 5th एंड 6th सेमेस्टर। देखते हैं, यदि आप 1st सेमेस्टर में हैं तो आप लोग ध्यान से सुनना, 2nd सेमेस्टर वाले ध्यान से सुनेंगे, 3rd सेमेस्टर वाले, सारे सेमेस्टर वाले ध्यान से सुनेंगे। हम 1st सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। आप अगर बीसीए में एडमिशन ले लिए हैं और आपका 1st सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रोबेबली यही होता है कि आप सबको 1st सेमेस्टर में ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अगर बीसीए कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आप अपना लैंग्वेज बनाएं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेहतर पढ़ते हैं तो आपका कैरियर आगे चल के बहुत ही ब्राइट होने वाला है। ध्यान से देखना, यदि आप 1st सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं तो आपको 1st सेमेस्टर में कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिलने वाला है, सी प्रोग्रामिंग मिलने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मिलने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मिलने वाला है और आपको फंडामेंटल आईटी मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या करना है आपको कि आप 1st सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने सी प्रोग्रामिंग पर करिए। यदि आप अपने सी प्रोग्रामिंग को बेहतर पढ़ते हैं तो ये कन्फर्म है कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो ये कन्फर्म है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे बेहतर पढ़ना होगा, ठीक है। आगे की बात करने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहती हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यदि आप सी प्रोग्रामिंग अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, गुड। यदि आप अपने और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के लिए किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट और कोचिंग को ज्वाइन करना होगा। ऐसे कोचिंग और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा, ध्यान से सुनना, जहां पर प्लेसमेंट की बातें हो सकती हों, ठीक है। कुछ कॉलेजों में क्या होता है कि 1st सेमेस्टर में सी पढ़ाया जाता है, 2nd सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर, 3rd सेमेस्टर में C++। कुछ यूनिवर्सिटियाँ क्या करती हैं कि 1st और 2nd सेमेस्टर दोनों में 50-50% सी पढ़ाती हैं और 3rd सेमेस्टर में आपको डेटा स्ट्रक्चर और C++ दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग स्ट्रेटजी ये बनाइए कि आप सभी 1st सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से फिनिश करें और 2nd सेमेस्टर में आप डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ें और 3rd सेमेस्टर में आप C++ प्रोग्रामिंग अपनी पढ़ाई करें। ध्यान से सुनना, बाकी और भी सब्जेक्ट जो हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, फंडामेंटल आईटी, इन सभी को भी आप फोकस करें, लेकिन इन सब में से सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस करना होगा, ठीक है। आप 1st सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग ख़त्म करें, 2nd सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर को ख़त्म करें, 3rd सेमेस्टर में आप C++ प्रोग्रामिंग ख़त्म करें, 4th सेमेस्टर में आप, अगर आपके 4th सेमेस्टर में जावा प्रोग्रामिंग है तो आप जावा की प्रोग्रामिंग को भी अच्छे से पढ़ें, ठीक है। 5th सेमेस्टर में आपका मिनी प्रोजेक्ट और 6th सेमेस्टर में आपका मेजर प्रोजेक्ट होता है। कुछ यूनिवर्सिटियों में सब्जेक्ट भी होते हैं, तो जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका सिलेबस है, आप उस सिलेबस को मेरी वीडियो से मैच कर लेना। समझ तो बातें आ ही रही होंगी। चलो अब बताते हैं आगे क्या होने वाला है। यदि आपने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को
एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा है। तो आप फिफ्थ सेमेस्टर के बाद BCA के स्टूडेंट को दो कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ध्यान से देखना, दो कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या हैं। पहला कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ध्यान से देखना, प्लेसमेंट उनका। यदि आप BCA कर रहे हैं तो आप यहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हैं या फिर आप MCA कर सकते हैं। देखते हैं प्लेसमेंट में बच्चों का ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि MCA करने में ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला। चलो देखते हैं, यदि आप प्लेसमेंट ले रहे हैं तो आज आपको इंडिया की या वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि आप हमारे पास प्लेसमेंट ले लो। और प्लेसमेंट पाने के बाद क्या मिलने वाला है, इस चीज़ को देखना है हमें। यदि आप प्लेसमेंट ले रहे हैं, ध्यान से समझना, यदि आप प्लेसमेंट ले रहे हैं तो आपको कंपनियों की लिस्ट क्या है। सबसे पहले आपको विप्रो टेक्नोलॉजी मिलती है, सेकंड आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मिलती है, थर्ड आपको माइनिट्री मिलती है, हेक्साबेयर, HCL, टेक महिंद्रा और भी एक दो कंपनियां आपको मिलती हैं जो मल्टीनेशनल हैं। इन सब का क्या स्ट्रेटजी है कि अगर आप BCA के बाद से प्लेसमेंट ले रहे हैं तो ये कंपनियां आपको सैलरी प्रोवाइड करती हैं 2.5 से 3 लाख रुपए पर एनम। ध्यान से सुनना, आपको सैलरी BCA के बाद से ये देनी शुरू कर देंगी और साथ में अपने पैसे से फ्री का 4 ईयर MTech प्रोग्राम भी कराती हैं। यानी कि ध्यान से सुनना, आप BCA के बाद सैलरी भी और फ्री की पढ़ाई कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। ध्यान से सुनने की बात है ये, और ध्यान से सुनना, ये जो आपका MTech होने वाला है कहाँ से होने वाला है इस चीज़ को भी देखो। ये MTech प्रोबेबली बहुत सारी कंपनियाँ जो है इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी बिट्स पिलानी से देती हैं। यानी कि छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से आपका MTech डिग्री नहीं होने वाला, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से MTech डिग्री होने वाला है। ध्यान से सुनना, यदि आप प्लेसमेंट लेते हैं तो आपको सैलरी के साथ साथ फ्री की पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी, और आपको और क्या मिलने वाला है, देखिए MTech 4 ईयर का और साथ में सैलरी और आपको एक्सपीरियंस भी साथ में। यदि आप MTech प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, यदि आप MCA करते हैं तो आपके साथ क्या होने वाला, यदि आप MCA करते हैं तो आपको क्या होगा, 2 से 3 साल का जो MCA करना होगा उसकी फ़ीस आपको खुद देनी होगी। और 2 से 3 साल जो MCA कर रहे हैं, ध्यान से देखना, उस MCA में क्या है कि आप हॉस्टल का खुद ही खर्चा पे करेंगे, आपके पेरेंट्स पे करने वाले हैं। यानी कि आपको MCA के ड्यूरिंग कोई सैलरी भी नहीं मिलने वाली है और आप अपने घर से पैसे फारे के सारे वेस्ट करने वाले हो और साथ में आपका एक्सपीरियंस भी जीरो होने वाला है। तो इस तरीके से देखा जाए, आजकल BCA के स्टूडेंट्स BCA में जो मैंने स्ट्रेटजी बताया है उस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हैं और उस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करने के बाद सीधे प्लेसमेंट लेते हैं BCA के बाद से। और जैसे प्लेसमेंट लेते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे प्लेसमेंट लेते हैं तुरंत सैलरी स्टार्ट और साथ में फ्री की पढ़ाई स्टार्ट। और ऊपर देखिए, ध्यान से ऊपर जो मैंने बताया है, यहाँ पर आप सबसे पहले बेहतर फोकस क्या करेंगे, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए आप सभी बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो मेनकैट PC की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखना, आपको मिनिमम चार्जेज के साथ हम बेहतर कोडिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और आपकी स्ट्रेटजी जो बनाते हैं हम सीधे प्लेसमेंट लेवल के लिए बनाते हैं। यानी यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर से या सेकंड सेमेस्टर से मेनकैट PC में हैं तो आपको सीधे प्लेसमेंट तक ले जाया जाएगा हमारे यहाँ। तो इस चीज़ को समझना, या फिर अधिक जानकारी के लिए हमारे और सारे वीडियोज़ हैं उनको भी देखना, ठीक है। यदि आपके पास कोई कन्फ्यूजन रह गया है इसमें तो हमें ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद यदि आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है तो वेबसाइट meancat.org पर आप मेरा नंबर पाएंगे, आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं। मैं सभी BCA के स्टूडेंट को बेस्ट विशेष देता हूं कि यदि आप BCA कर रहे हैं या BCA करने जा रहे हैं या आपने एडमिशन ले लिया है तो आप सभी स्टूडेंट्स अभी से अपनी स्ट्रेटजी बना लें और ये मेरे वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे सभी दोस्तों चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक भी करें और बची हुई सारी वीडियोज़ हमारे चैनल की देखें, आपको बहुत कुछ बेहतर मिलने वाला है। आप सभी के बेस्ट विशेष की मैं कामना करता हूँ और इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। सभी को हैव अ नाइस फ्यूचर।